गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और वायु के पापा निकल रहे हैं ऑफिस। मैं नहा ली हूँ, मैंने नहा के पूजा भी कर ली है। आपको दिखाती हूँ वायु क्या कर रहा है। छोटा बच्चा ये छोटा बच्चा प्रेस से खेलता है और देखिए इसने लगा ली है अपने नोज पर दो नेल्स के निशान। इसलिए सबसे पहले मैं इसके नेल्स कट कर देती हूँ। मछली वायु अब तक क्रॉलिंग करना नहीं स्टार्ट किया है, लेकिन हाँ मछली की तरह तय रहता है। ये टॉवल मैं फैला देती हूँ, गीली हो रही है। तो गाइज आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपने केक की रेसिपी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ केक। केक क्यों बनाने वाली हूँ, क्योंकि वायु हो जाएगा कल 9 मंथ्स का, इसलिए आज ही बना के रख दूंगी मैं केक। और वायु के पापा निकल रहे हैं बस ऑफिस, ढूंढता ढूंढता ही यहाँ तक आ गया। अब मम्मी नेल्स कट ही देगी आपके। हाँ नो 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 वायु नो। गाइस देखिए वायु भी जा रहा है अपने पापा के साथ ऑफिस, इसको भी ले जाओ अपनी चेयर पे, सी को उठा लेना अपनी सीट पर। चलोगे तो बस नीचे तक जा रहे हैं वायु के पापा को सी ऑफ करने, और वायु को भी थोड़ा सा नीचे का मूविंग बस दिखा दूंगी, उसको बहुत पसंद है ये सब देखना। वायु की खुशी, वायु अपने पापा के साथ आके इतना खुश हो जाता है ना, बहुत छोड़ेगा नहीं क्या नाक पे नेल्स से लगा दिया था, काट दी बट मैंने इसके नेल्स। ठीक है बाय, दे दो बाय बाय। वायु का बस यहाँ 5 मिनट कुछ व्हीकल्स इसको दिखाऊंगी, इसको मूविंग व्हीकल्स देखना बहुत पसंद है। ये देखिए वायु बस बस बस, ही लव टू वॉच कार मूविंग बस कार। तो ये देखिए गोमी का साइड है, यहाँ मैं आती हूँ कूड़ा फेंकने, और वहाँ सामने मेरी वायु खिला रहे हैं, वहाँ सामने मेरी बिल्डिंग है। वायु वायु देखो एक साथ 3-4 देखो विंग विंग विंग। ये यहाँ की सिटी बस है, हर छोटे छोटे स्टॉप पे चलती है। वायु देखिए, हाँ मजा आया देख के, बैठोगे वायु का बस लेना तो पूरा दिन ही यही निकाल दे। इसलिए अब मैं फटाफट जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे घर की साफ सफाई भी करनी है, और मैंने कुछ नहीं किया। आने के बाद मैंने घर की सफाई करके वायु को नहला दिया, और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए बढ़िया सा मजेदार सा लंच। पत्ता गोभी रखी हुई है बहुत सारी, कैबेज जिसे कहते हैं, वो बना लेती हूँ। लंच मेरा हो गया रेडी, ये थी पत्ता गोभी की सब्जी, इसमें मैंने गाजर मटर पनीर सब कुछ डाल दिया, सिंपल सा लंच है। और इधर देखिए वायु की मस्ती। हाँ वायु, हाँ वायु वहाँ जाने की सोचता है लेकिन थोड़ा डर लगता है। नेक्स्ट मंथ में भी नीचे चला जाएगा उधर बालकनी में। हाँ कितनी स्वेटिंग हो गई आपको बच्चे। अपना सुपर टेस्टी सा लंच कर लिया है और बाल मेरे अभी तक नहीं सूखे हैं, और अब मैं बनाने जा रही हूँ केक। मैं बहुत ज्यादा धीरे धीरे बोलूंगी, या तो मैं वॉइस ओवर लगा दूंगी या बहुत स्लो बोलूंगी, वॉइस ओवर ही लगाऊंगी क्योंकि मैंने वायु को बहुत मुश्किल से सलाया है। तो गाइस फाइनली मुझे डालना पड़ रहा है वॉइस ओवर, क्योंकि वायु सो रहा था इस टाइम, अभी वायु जग रहा है। तो सबसे पहले मैंने कुकर को किया प्रीहीट, कुकर को इसलिए प्रीहीट किया क्योंकि मेरा ओवन हो गया है खराब, बहुत जल्द मैं ले लूंगी ओवन। इसमें मैंने सॉल्ट डाल रखा था, और ये सबसे पहले मैंने ये कर दिया है आपका केक टिन को ग्रीस किया है। पेपर मैंने घर से पेपर लिया, दोनों साइड से रिफाइंड लगा के इसको ग्रीस किया। ये है आप आइटम देख लीजिए फटाफट, ये है 1/3 कप शुगर ऑयल, ये है मिल्क पाउडर, और है कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को मैंने थोड़ा सा ना इनके ऊपर कोटिंग किया है मैदे से, और ये है एक कटोरी मेरी मैदा, और दूध
दूध ना आपको एकदम फिक्स अमाउंट नहीं लेना है, दूध कम ज्यादा हो जाता है। मेरा 1 कप से थोड़ा कम लगा था। ये है बेकिंग सोडा और ये है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो अलग अलग चीज होती है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस चीज को लेके। और एक बॉल, थोड़ा सा विक्सर, और हाँ ये वाइट विनेगर। वाइट विनेगर का बहुत बड़ा रोल होता है केक को फुलाने में। एंड तो चलिए अब मैं केक बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये लिया मैंने ऑयल, ऑयल और शुगर को एक साथ में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए हाँ मैं मिक्स कर रही हूँ ऑयल और शुगर को बहुत अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैंने डाला है मिल्क पाउडर, फिर इसको भी मिक्स कर दूंगी। फिर मैंने डाला दूध, तीनों को अच्छे से मिक्स करूंगी, थोड़ा सा झाग आ जाए, फॉमी फॉमी हो जाए। देखिए मैंने अभी पूरा दूध नहीं डाला है और इतना में ही मेरा बन गया था, मेरा 1 कप दूध नहीं लगा था। इसलिए दूध डालते समय थोड़ा सा ध्यान दें। अब मैंने डाल दिया है आटा और इसके बाद डाल दूंगी अपने ड्राई फ्रूट्स और इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी। बेकिंग, हाँ बेकिंग पाउडर भी मैंने इसी टाइम डाल दिया। बेकिंग पाउडर 1 स्पून भर के आप डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा कम डलता है लेकिन बेकिंग पाउडर डलता है। तो तीनों चीजों को मैंने मिला दिया। अब मैं डाल रही हूँ सबसे मेन इंग्रेडिएंट बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा के ऊपर डाल रही हूँ विनेगर। ये बेकिंग सोडा और व्हाइट विनेगर ना साथ में मिलके केक को फुलाने का काम करते हैं। वायु प्लीज। और देखिए भी मैं बैटर केक टिन में डाल दिया। अब इस केक टिन को मैं रख दूंगी कुकर के अंदर। और इसको बनने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगा था, 55 मिनट मुझे समथिंग इसमें लग गया था। टाइम भी फिक्स नहीं होता, किसी का बन गया है, ज्यादा हो जाता है, किसी का कम होता है। बहुत आसानी से निकल जाता है, मुझे ऐसा लगता है कुकर में बना रहे हैं, ओवन में बना रहे हैं, कुकर में मेरा 1 घंटा लग जाता है। सामने मैंने निकाला है। चलिए ठीक है, ये बन गया था मेरा, काफी स्पॉन्जी केक बना था। दिखाओ। तो ये देखिए यहाँ वायु हो चुका है रेडी जाने के लिए कहीं। वायु तो वायु की टीवी बंद कर देते हैं। फिलहाल मैं और वायु जा रहे हैं एक जगह जहाँ अक्सर मैं और वायु अब जाने लगे हैं। उसका एक स्पेशल ब्लॉग बन रहा है, जब कंप्लीट होगा लगेगा कि हाँ बन जाएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ये देखिए वायु खुशी। वायु कहाँ आए हो? हाँ खुश हो गए? चाबी नहीं खाओ बेटा। जहाँ आए थे वहां से अब जाने का हो गया है टाइम और हम जा रहे हैं घर। साखी में और वायु थोड़ा सो गए थे, दोनों ने रेस्ट किया। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो भी कुछ मेरे पास था थोड़ा बहुत मैंने केक की डेकोरेशन की। और हस्बैंड घर आ चुके हैं इसलिए उनकी फरमाइश पे बनाने जा रही हूँ मैं पास्ता। तो पहले आपको केक दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं पास्ता बनाती हूँ और फिर खा पी के सो जाऊंगी। ब्लॉग आज ही अपलोड करूंगी, आज का ब्लॉग आज ही आएगा और कल का ब्लॉग आएगा कल। कल है वायु का 9 मंथ्स बर्थडे, तो कल का होगा ब्लॉग। जी आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ, कल का ब्लॉग होगा गिव अवे ब्लॉग। सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 दिन आपके पास बचे हैं गिव अवे का प्राइस, गिव अवे का गिफ्ट जीतने के लिए। तो मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो लास्ट मंथ था वायु का 8 मंथ का जो विनर थे ना, उन्होंने अपना एड्रेस ही नहीं दिया। जब आप मुझे एड्रेस नहीं दोगे तो मैं कैसे आपको आपका गिफ्ट पहुंचाऊंगी? तो पता नहीं क्यों शर्मा गई है क्या हुआ, उन्होंने मुझे अपना एड्रेस नहीं दिया। तो अगर आप विनर हैं, आप सबसे पहले कमेंट कर रहे हैं, तो आप मुझे एड्रेस भी दीजिए, मैं आपको जरूर बहुत अच्छा अच्छा गिफ्ट दूंगी। नो वायु, वायु फुल ऑन मस्ती में देखिए। तो बस यही मुझे कहना था, लास्ट टाइम का गिव अवे की जो विनर थी उनको गिफ्ट नहीं पहुंच पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ एड्रेस उन्होंने नहीं दिया था। तो कल मैं करूंगी फिर से क्वेश्चन और ये लहेंगे जब तक वायु 1 ईयर का नहीं हो जाता। वायु 1 ईयर का होगा दिसंबर, 28 दिसंबर को। तो फटाफट पास्ता बना लेती हूँ। देखिए वो व्हाइट सॉस पास्ता डिमांड की है उन्होंने, व्हाइट सॉस पास्ता की, और खा पी के फिर सो जाऊंगी। चलियो आपको पहले केक दिखा देती हूँ। और इस रेसिपी से जरूर एक बार केक ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है, स्पॉन्ज बहुत अच्छा बनता है। केक मैं आपको दिखा देती हूँ। टेन टेन, मेरे पास क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं थी तो आइसिंग अच्छे से नहीं हो पाई है, बस यही सिंपल सा केक है, देख लीजिए। लेकिन हाँ स्पॉन्ज बहुत अच्छा आया इस केक में और टेस्ट अच्छा होता है, नॉर्मल ब्रेड है बस, और क्या है।
गाइस आज मैं डिनर में बना रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। और इधर देखिए पास्ता मेरा बॉईल हो रहा है और यहाँ सॉस मेरी बन चुकी है, बड़ी अच्छी बनी है, एकदम थिकनेस परफेक्ट है इसकी। मैंने डाल रखा है थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से और ये डालूंगी ओरिगैनो। ज्यादा स्पाइसी नहीं करते हैं पास्ता को। पास्ता तो मेरा बन गया है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें व्हाइट सॉस थोड़ी सी कम रह गई है। पास्ता ज्यादा हो गया है, सॉस मैंने कम बनाई थी। यहाँ डिलीशियस था मेरा, देखिए पास्ता बन के रेडी है। अब हम खा लेते हैं और कर लेते हैं अपना ये डिनर। थोड़ी सी इसमें व्हाइट सॉस कम रह गई है।